बैक टू माय चैनल स्वीट बाइट्स केकरी विद मी श्रीपर्णा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप सब से शेयर करने वाली हूँ एक फुटबॉल थीम केक की डिजाइन, और ये मेरी एक अर्जेंट केक का ऑर्डर था, तो मैंने कैसे फटाफट से इस केक को कंप्लीट किया है वही मैं शेयर करूंगी इस वीडियो में। आई थिंक ये वीडियो ना उन सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो अपने ऑर्डर को फटाफट से कम्प्लीट करना चाहते हैं, उन सारे होम मेकर्स के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हमेशा की तरह वीडियो में जाने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी ये छोटी सी वाइटी फैमिली के साथ झटपट से जुड़ जाइए। इट्स सिंपल एंड फ्री। और अगर आज की केक की डिजाइन आप सबको पसंद आती है देन प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की केक की फ्लेवर है चॉकलेट, और मैंने इस केक को 3 लेयर्स पे कट कर दिया है। आप चाहो देन केक को धागे से भी कट कर सकते हो या फिर ब्रेड नाइफ से, जो आपकी मर्जी। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट लेयर को बिठा दिया है केक बोर्ड के ऊपर, और हमेशा की तरह मैंने बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगा दिया है ताकि केक अपनी जगह से ना हिले। कॉफी सिरप से केक लेयर को सोक करने के बाद इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चॉकलेट गनाश की एक लेयर। ये चॉकलेट गनाश मैंने डार्क कंपाउंड से ही बनाया है। आप कोई भी कंपनी के डार्क कंपाउंड से गनाश बना सकते हो, और इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो। मैंने इसलिए किया है ताकि चॉकलेट केक की जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाए। कैसे आप एगलेस चॉकलेट स्पॉन्ज बना सकते हो, कैसे कॉफ़ी सिरप बनाया जाता है, साथ में कैसे आप विदाउट एनी फ्रेश क्रीम चॉकलेट गनाश बना सकते हो, सबके बारे में मेरी एक डिटेल वीडियो है। मैंने टॉट केक में सारी स्टेप्स को फॉलो करके ही उस केक को बनाया था, तो उस वीडियो की लिंक मैं डाल दूंगी आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। अगर उस वीडियो को आपने एक बार चेक कर लिया तो सारी रेसिपी आपके पास आ जाएगी। और अगर आपको चॉकलेट स्पॉन्ज केक एक से बनाना है तो उसकी भी एक सेपरेट वीडियो है मेरे चैनल पे, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दोनों ही रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है, आप दोनों में से किसी भी एक को सिलेक्ट करके इस केक को बना सकते हो, दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। केक के सेकेंड लेयर को भी मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, और उसके ऊपर मैंने एक जेनरस अमाउंट ऑफ क्रीम भी अप्लाई कर दिया है, और साथ में केक की साइड में जो क्रीम लगी है उसको भी मैं क्लीन करते हुए जाऊंगी। इससे आपकी केक लेयर की जो लेवलिंग है वो ठीक ठाक से रहती है, एक साइड में हिल नहीं जाती है। इसके ऊपर मैंने चॉकलेट गनाश डाल दिया है, थोड़ी सी चॉको चिप्स भी डाल दिया है क्रंच के लिए। इसको भी आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये इनफ चॉकलेट ही बन चुकी है। केक के फाइनल लेयर को मैं अच्छी तरह से सोक कर दूंगी कॉफ़ी सिरप के साथ। ये कॉफ़ी एंड चॉकलेट ये दोनों फ्लेवर एक साथ ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस केक के लिए कॉफ़ी सिरप का यूज़ किया है। अगर आप चाहो तो नॉर्मल सिरप से भी आप इस केक को सोक कर सकते हो। लेयरिंग करते करते ये केक ना थोड़ी सी एक साइड पे चली गई थी, इसलिए एक स्पैचुला की हेल्प से मैंने इसको सेंटर में फिर से प्लेस कर दिया है। अब केक के जो लूज क्रम्स है उसको भी हमें सेट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्रीम लिया है, और इसी क्रीम से मैं सारी केक को कवर कर दूंगी ताकि इसके जो लूज क्रम्स है वो सारे सेट हो जाए और हमारी फाइनल आइसिंग बेहतर हो सके। और इस प्रोसेस को ही कहा जाता है क्रम कोटिंग, जिसके बारे में एक फुल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है, अगर आप चाहो उसको भी देख सकते हो, लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने इसको सेट कर दिया था एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। फाइनल कोटिंग के लिए मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग के अंदर भर दिया है, और टर्न टेबल को घुमाते हुए मैं क्रीम को अप्लाई करते हुए जाऊंगी। यहाँ पर मैं आप सबसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। टेक्निकली मुझे इस केक को डिलीवर करना था शाम के 6 बजे, मगर कस्टमर की कुछ अर्जेंट इशू के कारण मुझे इस केक को दोपहर में ही डिलीवर करना था। और जिन्होंने इस केक का ऑर्डर किया था उन्होंने मुझे ये बात इन्फॉर्म किया था डिलीवरी टाइम के 2 आवर्स पहले, तो आप सोच सकते हो कितनी रश में थी मैं। मुझे 2 घंटे के अंदर इस केक को कंप्लीट करना था। केक की पिक्चर मुझे कस्टमर ने बहुत दिन पहले से ही भेज रखा था, और ग्रीन एंड वाइट कलर के बीच एक सुंदर सा ओम्ब्रे इफेक्ट भी बना था, मगर मेरे पास टाइम नहीं था, 2 घंटे के अंदर मुझे इसको कंप्लीट करना था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट जेल कलर से ही ओम्ब्रे इफेक्ट बना दिया। अगर आपके पास टाइम हो देन आप सेपरेट क्रीम को यूज़ करके भी ओम्ब्रे इफेक्ट बना सकते हो, मगर यहाँ पर मैं एक सच बात बोलने वाली हूँ, जल्दी में भी ये ओम्ब्रे इफेक्ट बहुत ही सुंदर आया था।
केक के टॉप पार्ट में हमें ज्यादा फिनिशिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि हम टॉप पार्ट को फुल्ली कवर करने वाले हैं चॉकलेट गनाश के साथ। मैं पहले यहाँ पर ड्रिप्स बना दूंगी। गनाश को मैंने एक पाइपिंग बैग के अंदर भर दिया था और पाइपिंग बैग की जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पर मैंने एक छोटा सा कट लगा दिया था और उससे हेल्प से ही मैं ड्रिप्स को बनाते हुए जा रही थी। और बाकी का जो पोर्शन है उसको भी मैं फिल कर दूंगी सेम चॉकलेट गनाश के साथ। ड्रिप्स बनाना बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ पाइपिंग बैग को यू के मोशन पे घुमाते हुए जाना है और बहुत प्यारे प्यारे छोटे लंबे सब साइज के ड्रिप्स बन जाते हैं। ये ड्रिप्स डिजाइन ना केक के ऊपर बहुत सुंदर लगता है। चॉकलेट गनाश को मैं एक स्पैचुला के हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी ताकि केक की सब जगह ये इवनली स्प्रेड हो सके। और यहाँ पर ना मैंने एक स्पून का हेल्प लिया था स्पाइरल डिज़ाइन बनाने के लिए, मगर सच बताओ तो ये बहुत खास नहीं बना था, मुझे और भी थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसके ऊपर। तो अब बनाते हैं हमारी फुटबॉल। आज की केक की जो डिज़ाइन है उसका जो मेन पार्ट है वो है फुटबॉल। तो मैं यहाँ पर फोंडेंट से फुटबॉल बनाऊँगी। फुटबॉल के फोंडेंट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कलर के फोंडेंट लिए हैं, एक है व्हाइट और एक है ब्लैक। और ब्लैक कलर के फोंडेंट को मैंने लोकल रॉ मटेरियल शॉप से ही परचेज किया था क्योंकि हम घर पे जब ब्लैक जेल कलर से ब्लैक कलर के फोंडेंट बनाते हैं ना उसकी कलर उतना ज़्यादा इंटेंस नहीं आता है, थोड़ा सा ग्रे कलर का फोंडेंट बन जाता है जो कि खास नहीं लगता है। इसलिए मैं सारे डीप कलर के जो फोंडेंट्स आते हैं वो सारे मैं लोकल रॉ मटेरियल शॉप से ही खरीद लेती हूँ। दोनों फोंडेंट्स को ही मैंने पहले अच्छे से रोल कर दिया है और देन मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है और हर एक पीस से मैं छोटे छोटे राउंड शेप बनाते हुए जाऊंगी जो कि है आप बोल सकते हो छोटे छोटे लड्डू की तरह मैं यहाँ पर बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जो मैंने पहले एक वाइट कलर का बॉल बनाया था उसके ऊपर ये सारे छोटे छोटे राउंड मैं प्लेस करते हुए जाऊंगी। बीच में मैं रखूंगी ब्लैक कलर की बॉल को और उसके चारों ओर मैं प्लेस कर दूंगी व्हाइट कलर के छोटे छोटे बॉल को। बेसिकली हमें यहाँ पर पेंटागन शेक बनाना है इसलिए मैंने बीच में रख दिया है ब्लैक कलर की फोंडेंट और उसके चारों ओर मैंने 5 व्हाइट कलर के राउंड बॉल को प्लेस कर दिया है। बस आपको ऐसे ही सारे बॉल के ऊपर सेम पैटर्न को बनाते हुए जाना है और एक एक करके सबको प्लेस कर देना है। फोंडेंट से कैसे इजीली फुटबॉल बनाया जाता है उसके ऊपर भी एक सेपरेट शॉर्ट मैंने बहुत पहले ही बना रखा है मेरे चैनल पे, उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगी अगर इन केस आपको इस वीडियो देख के थोड़ी सी डाउट आ भी रहा है वो वाली वीडियो देख के आई एम श्योर सब डाउट क्लियर हो जाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल वे में मैंने उसको डिस्क्राइब किया है। एक एक करके सारे छोटे छोटे राउंड बॉल्स को मैंने प्लेस कर दिया है। अब बारी है इसको अच्छे से हाथ के अंदर ही रोल कर देने की ताकि एक क्लियर पेंटागन शेप इसके अंदर आ जाए और हमारा फुटबॉल ऐसे ही बहुत सिंपल वे में तैयार हो जाएगा। ना तो आपको कोई कटर की ज़रूरत है ना तो कोई मोल्ड की, ऐसे ही अब हाथ से ही एक बहुत अच्छी 3D फोंडेंट फुटबॉल बना सकते हो और कोई भी फुटबॉल थीम केक के ऊपर इसको ट्राई कर सकते हो। क्योंकि ये एक फुटबॉल थीम केक है तो थोड़ी सी ग्रास तो हमें बनाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने केक के टॉप पार्ट में गनाश के ऊपर ही ग्रास बना दिया है ग्रास नोजल के हेल्प से। और केक के जो पिक्चर मुझे भेजा गया था वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही डिज़ाइन बना था इसलिए मैंने उसको देखकर ही ये बना दिया। अगर ये मेरे ऊपर होता तो मैं सिर्फ केक के बॉर्डर लाइन पे ग्रास बनाते हुए जाती क्योंकि ये चॉकलेट गनाश खुद ही बहुत अच्छा दिख रहा था। हालांकि बाद में जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब बारी है फुटबॉल को प्लेस करने की। एक स्क्रूअर को मैंने फुटबॉल के अंदर ही इंसर्ट कर दिया है। अब मैं इसको केक के ऊपर बिठा दूंगी। ये अब खुद की जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला है। लास्ट में मैंने कुछ व्हाइट कलर की शुगर बॉल स्प्रिंकल कर दिए थे और थोड़ी सी सिल्वर डस्ट भी मैंने स्प्रे कर दिया था। तो ये है हमारी फुटबॉल थीम केक बनके हो गया है बिल्कुल रेडी। एंड यस मैंने इसको 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट किया था बहुत फटाफट से। तो आप सबको कैसी लगी इस केक की डिज़ाइन? अगर अच्छी लगी है देन लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए कीप बेकिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।